फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर हम अपनी लाइफ में इन 5 बातों का ध्यान रखें तो हमें वो सब कुछ मिल सकता है आसानी से जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक लर्निंग वीडियो है, आपको यहाँ से कुछ सीख कर ही जाना है। नंबर 1, देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आप चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, कोई स्किल्स है जो सीख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर आप एक बात तय कर लें कि मुझे हर दिन 1% अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है, तो आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, मैं एक एग्जाम्पल आपको देकर बताता हूँ। देखिए, दुनिया में लाखों लोग हैं जो गाना गाते हैं, लेकिन सभी तो अच्छे सिंगर नहीं बनते, वो बनते हैं जो अच्छा गाते हैं। अगर आप उस काम को करते टाइम एक बात को तय कर लें कि मुझे हर दिन 1% ग्रो होना है, 1% अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है, तो आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता। अगर आप हर दिन 1% ग्रो करते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक में, तो इस हिसाब से एक साल में यानी 365 दिन में आप 3.7% अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करेंगे। ये एक छोटा सा रूल आपको आपके स्किल्स में एक महारत हासिल करने में बहुत हेल्प करेगा। आपको बस इतना ही तय करना है कि मुझे कल से बेहतर करना है, बस इतना ही। फ्रेंड्स, 1% सुनने में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका असर आपको हर आने वाले दिन में महसूस होने लगेगा। जरा सोच कर देखो, अगर आप किसी स्किल्स में एक साल तक इसी इंटेंशन के साथ लगातार काम करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, आप ज़रूर करके देखें। फ्रेंड्स, 2nd है फ्लो। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कोशिश ये करनी है, आप जिस समय वर्क कर रहे हो तो आप अपने पास कोई भी ऐसी चीज़ न रखें जो आपका फ्लो डिस्टर्ब कर दे। जब आप कोई काम करते हैं तो उसका एक मूड होता है, जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर, और ये हमेशा नहीं होता पूरे दिन में, इसे बनाने में टाइम लगता है, और जब आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं तो उसका रिजल्ट ही कुछ और आता है। अगर आपका कोई बीच में डिस्ट्रक्शन हो गया तो जो सारा आपने माइंड सेटअप किया है, जो सारा आपका एफर्ट है, वो आप कहीं और ही लगा देंगे, जिससे होगा ये कि आप अपने गोल से हट जाएंगे। और अक्सर ऐसा तभी होता है जब कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को एक दिशा की तरफ ले जा रहा हो, भले ही आप 2 घंटे काम करें, पर बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। आप खुद इस बात को आजमा कर देखना, आपको सही रिजल्ट तभी मिल पाता है जब आप उस काम को अपना पूरा 100% देंगे, तभी तो आप एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक फ्लो होता है जो तभी बन पाता है जब काम करते हुए आप डिस्टर्ब नहीं होते। तो बस ये करें, थोड़ा सा टाइम ऐसा रखें कि उसमें आप किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो, भले ही वो सोशल मीडिया हो, मूवी हो, या फालतू की कॉल्स हो। आई नो आप समझ गए हैं। नंबर 3, नो योर स्किल्स। फ्रेंड्स, अगर आपके काम से लोगों की लाइफ बदल रही है, या आप अपने काम से जिसमें आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उससे लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो रही हो, जैसे आपने कोई ऐसा काम किया जो लोगों की हेल्प कर रहा हो और आप उससे पैसा कमा रहे हो, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत से टॉपिक्स पर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत कुछ आता है उन्हें, लेकिन वो बस बैठे हैं। आप चाहे तो अपने विचारों को, अपने ज्ञान को यूट्यूब वीडियो या पॉडकास्ट के जरिए सेल कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छी अर्निंग दे सकता है। तो ये सोचो कि आप लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपका पैशन आपका प्रोफेशन ही बन जाए, या कुछ और अच्छा हो जाए। अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बनाओ। फ्रेंड्स, नंबर 4, अगर ये रूल मुझे आज से 10 साल पहले पता चल गया होता तो मेरी लाइफ 10 गुना ज़्यादा इन्जॉयफुल होती। मुझे इसका दुख हमेशा ज़रूर रहेगा, लेकिन आपको आज ये पता चलने वाला है। अच्छा, सपोज़ करो कि आपको पता चल जाए कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो आपकी दुनिया कितनी बदल जाएगी ना। और अगर कहीं आपके पास 2 स्किल्स हों तो क्या बात है, आप 2 स्किल्स पर काम कर सकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना, और फिर दोनों में ये देखो कि रिजल्ट किससे ज़्यादा बेटर आ रहे हैं, और उस स्किल्स पर ज़्यादा मेहनत करो। और ये भी हो सकता है कि आपके दोनों स्किल्स से कुछ नया बन जाए, जैसे मेरा पैशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ बोलना भी है। और ये हुआ कैसे,
मैंने फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में कर्मा मूवी का सॉन्ग गाया था। मैं उस टाइम 10th क्लास में था। टीचर्स ने, दोस्तों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब मैं एक दिन टूर पर था, मैं शायद वो ग्रेजुएशन के दिन थे, तो हम सब लोग ऐसे कुछ गेम खेल रहे थे जिसमें कुछ अच्छा सुनाना था, चाहे वो सॉन्ग हो या कोई पोएट्री हो। मेरा नंबर आया, मैंने ऐसे ही कुछ वर्ड्स बोल दिए जो मुझे याद थे। सब लोगों को बहुत पसंद आया, सब ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया और वंस मोर कहने लगे, आई कांट बिलीव दैट। मुझे लगा यार ये क्या हुआ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सब ने बोला यार तुम्हारी आवाज़ में दम है। जब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे तो मुझे पता चल चुका था कि मेरी आवाज़ में कुछ है ऐसा, मैं अपनी आवाज़ को यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फीवर हो गया। बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करे, फिर कहीं जाकर मुझे एक कोच मिले, उनसे मैंने कोर्स किया पर्सनली, और उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा। वो सक्सेस हो गया बहुत इजीली। टाइम तो मुझे लगभग 1 साल लगा था, बट वो हो गया यार। सबसे अच्छा ये हुआ और ठीक वैसा ही जैसे मैंने सोचा था। तो आपको ट्राई करना चाहिए। रिएक्शन नहीं होगा, मेडिसिन नहीं है, ये तो स्किल्स हैं। फाइंड करो और ट्राई करो, ज़रूर कुछ अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स, लास्ट रूल है इन्वेस्टमेंट। एक बात और है, अगर आपको ये पता चल गया कि आपका पैशन क्या है और आप उस पर काम करने लगे हैं, तो उसे और एनहांस करिए और उसे निखारो, पॉलिश करो अपने स्किल्स पर, ताकि दुनिया को एक नया स्टार मिल सके, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, इट इज़ डजंट मैटर। डरो मत आगे क्या होगा, ये स्किल्स चलेगा नहीं चलेगा, मैं कर पाऊँगा मैं नहीं कर पाऊँगा, सोचना नहीं है, करना है। और कोई ना कोई आपको बंदा ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि यार तुम्हारा ये काम कर रहा है। यूनिवर्स हमारी मदद करता है, हमेशा करता है। आप अपनी मंजिल के पास हैं, आपको खुद ही फील हो जाएगा। अगर आप में कुछ भी ऐसा है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, उनकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आपकी ज़िंदगी बदलना तो तय है। बस आपको अब ये करना है कि आपके अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना है, जिसके लिए आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो आप पीछे मत हटना। ये 1000-2000 की बातें हैं, लेकिन आपकी लाइफ इस पर टिकी होती है। कैसे भी कोर्स को परचेस करो, अपनी पॉकेट मनी से, अपने भाई की पॉकेट मनी से, अपने सिस्टर की पॉकेट मनी से, कैसे भी करके, बट अपने स्किल्स को सुधारो, अपने स्किल्स को एनहेंस करो। हाँ, एक बात और है, कभी कभी हम ये सोच बैठते हैं कि जैसे कि यार गाना गाने वाले तो इतने सारे हैं, या ट्रेडिंग करने वाले तो इतने सारे हैं, मैं उन्हें कैसे बीट कर पाऊँगा। अपना कंपैरिजन मत करना, यू आर बेस्ट, आपसे अच्छा है ही नहीं कोई। मिरर के सामने खड़े होकर तो देखना, ऐसा पीस मिलने का ही नहीं आपको। अगर आप वो कर रहे हैं जो आपकी पसंद है, आपका पैशन है, तो आप पहले दिन से सक्सेसफुल हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस तलाश करो, उस पर काम करो, उसे एनहेंस करो और 1% डेली अपग्रेड रहो। दोस्तों, मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, बट प्लीज़ बताना ज़रूर यार, ताकि मैं ऐसी गलती फिर ना करूँ अगर बुरी लगी हो तो, और अगर अच्छी लगी हो तो मैं और कोशिश करके आपको मोटिवेट करूँ। और लाइक करना मत भूलना, बिकॉज़ ये मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू, टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।